मेरी फ्रेंड है जी कमलेश रानी, ये असी कट्ठे ही पढ़े हाँ, कट्ठे पढ़े हाँ, दसवीं जी कट्ठे की है, एन सी सी वगैरह कट्ठे जाते सके, होर जोड़ा है बचपन तो कट्ठे खेडते भी रहे हैं, इतने ये उधर साढ़े कहीं चल जाते, मैं इधर आ जाती सी, बस उस तो बाद फिर कुछ वक्त इदा जोड़ा है लंघ गया। बाद जो इन का पता लगे कि बेबी उन्होंने हालत ज़्यादा खराब है, आके उन्होंने पूछा कर उस वे इन्होंने दसिया कि जी पिता जी गुजरिया बड़े साल हो गए, तो आ हालात हैं घर के, सारा आला दुआला देख के जोड़ा है बड़ा औखा लगे, चलो करिया वो भी जाते हुए भी जोड़ा है यही गल कहते कहते दुनिया तो चले गए कि बेटा इन्हों का ध्यान रखी देख ली जे हो सके तो। ये मम्मी कहते डेढ़ साल पहला उन्होंने डैथ हुई है, डेढ़ साल पहला वो यही गल करते हैं बेटा देख ली भैन का ध्यान रखी अपन इन्हों मतलब जो है बस देख ली है घर का तेन दिसदा ही है डिगन वाला है खराब है कित ही ना हो बस हूँ वो लफ्ज मैं तो कह नहीं सकती थले ही आ जा ना बस वो चीज़ा जड़िया है जो उन्होंने डैथ हो गई फिर महसूस किया भी ये होना चाहिए ये घर जोड़ा है बनना चाहिए ये ना हो किसी को पता ही ना लगे तो नीचे जोड़ा है आ गई हूँ जो अठ दस बाले कट्ठे डिगे से उन्हना करके जोड़ा है जो देखिया भी रात को मीह पै रहा है अठ दस बाले कट्ठे डिगे बस रब का शुक्र इन्ना कि रह गया कि उस दिन वो कमलेश सुती नहीं सी हुई उस मंजे के उत्ते बस उही मंजे के उत्ते जोड़े सुती होनी तो पता नहीं मतलब रब जाने की हो जाता सो उस करके बस उस दिन ये प्रण करके मन दे विच ही गए सीगे भी ये जोड़ा है काम करिए बाकी असी शुक्रगुजार हाँ सरकार दे जिन्होंने सर कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना हाँ बड़ा मुश्किल है इंसान का इंसान होगा मैं तो इंसानियत को देख दिया जी मेरे लिए तो सारे धर्म जोड़े है वो एक सार ने जे असी कट के देखिए अपनी बांह नूं अपने हाथ नूं तो वो एको ही खून जोड़ा है एको रंग का निकलता है तो जब किसी को लोड़ पैंदी है ब्लड की तो मतलब उत्थे भी जोड़ा है दिता है उस दिल्ली गेट सामने साढ़े उन्होंने एक्सीडेंट हो गया सी विनोद भाई साहब का पुरानी गल है 35 साल पुरानी 36 साल तो उस वेले नाल दे भी जोड़े ब्लड के वह भी जोड़ा है जवाब दे गए तो मैं लुधियाने पहुँच के जोड़ा डॉक्टर साहब मैं कहते जी की रिश्ता है मैं जी इंसानियत का खून की बोतल दी उन्होंने घर में वापस आ गए सो ये इंसानियत जी है जी उ रिश्ता जो भी सारे नाल उ है कोई भी है चाहे हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है पारसी है बोधी है दूजा मेरा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के सारी उम्र वाह गुजरे तो सारे जोड़े है ग्राउंड के भी अज भी ग्राउंड के खिडाने सारे बखरे बखरे धर्मों के बच्चे मेरे को खेडन आते हैं मैंने सारे ही ए लगते होंगे ने भी सारी फुलवाड़ी जी है वो एक रंग रंग के फुल है बस बहुत खराब सी वधिया असीं तां इही कहने भी वधिया बहुत वधिया कि इन्हां दा विचारियां दा बन गया सारी जिंदगी एवें ही गुजारी है इन्हां ने अपने माँ बाप पिछे विआह भी नहीं करवाया तो 6 भैणां सीगियां 2 गुजर गईयां दूसरियां वो अपने घर खुश ने तो कोई किसी नूं किहड़ा पुछदा है अज कल दे टाइम दे विच कोई कोई है रिश्ता तो बहुत वधिया कि इन्हां ने चलो इन्हां दी मदद कीती अस तां इही कहने कि जो जिंदगी इन्हां दी रहिंदी है वधिया अपना आराम नाल गुजारन परमात्मा इन्हां दी जिंदगी लंबी करे जो रह गई तो पहला तो इन्होंने दुख ही भरे ने सारी उम्र रिश्तेदार केड़ा खड़दा जी अजकल थानू पता ही है की कहोगे जिहड़े हुण मकान अजकल नौहां च ओह होया पिया खून चिट्टे हो गए केड़ा पुछदा है आपां तां इही कहने कि हैगे हाले भी हैगे ने बहुत जिदा ये दीदी ने भी बहुत वधिया कि इन्हां दा मदद करते ने होर भी बहुत ने पंजे उंगलियां एक सार तां नहीं हैगियां तां ही परमात्मा खड़ा है हाँ जी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होंदी है जी बहुत ज़्यादा औखा हुंदा सीगा मीह कणी दे विच आ जाना बहुत ज़्यादा चौंदा सीगा फिर इन्हां नूं ए फिकर हो जांदी सी वी असीं किद्दां रात कड्डांगे मीह पैण लग गया हुण इकणा कोई पता नहीं भी किहड़े वेले नीचे आ जाइए बहुत औखा जी सानूं पता सी तां नीचे आउण वाली सीगे तां शुकुरा मैडम ने साडे नाल हैल्प कीती और 1.5 महीना हो गया साडे नाल मतलब जिद्दां साडा पैण लग्गिया मकान इत्थों सवेरे आउंदे सी शाम नूं जांदे असीं इन्हां दी बहुत शुक्रगुजार हाँ असी इकट्ठे पढ़ते सी जी बस मेरे फ्रेंड होने करके मतलब इन्होंने हिंदू मुसलमान का कोई इंसान इंसान के नाते साढ़े नाल बहुत इन्होंने मदद कर रहे माँ बाप करके मेरे भरा है नहीं सी 6 भैणां सी इस करके माँ बाप करके भी माँ बाप कौन संभव बहुत औखा हुंदा सी नीचे कीड़ियां भी गिरदियां सी बैड ते मतलब सारा चोई जांदा सीगा 3-4 बाले कई बार तो 3-4 बाले भी गिर गए
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਠ ਪਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸਾਈ 'ਚ ਕੁਛ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो हमें यही है भी चलो हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, तो इन्होंने बहुत मदद की है एक मुस्लिम फ्रेंड होने के बावजूद भी। हमें यही बहुत खुशी है भी आज चलो अच्छी छत पड़ रही है, चलो सुकून अमन से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी बारिश में होता था अभी पानी चोता था, छत चोते थे, कभी कुछ हो जाना तो यही डर रहता था भी कुछ नुकसान ना हो जाए जान माल का। सामान तो बन जाते हैं पर जान माल नहीं बनती फिर दोबारा। बिल्कुल मतलब मैं सोच भी नहीं सकती अज के टाइम के यह जे भी लोग ने गे मतलब माँ बाप लिए लोग बच्चे तो माँ बाप न बजुर्ग होंगे ने घरों बहर क्ढन का सोचते हैं गे और इन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप खातिर विह नहीं करवाया है मतलब बहुत चंकी गल है। हूँ इन्हों घर की छत पै रही सू बहुत चंगा लग रहा है। दिन रात मैडम बैठे ने शकूरा मैडम सारा दिन ड्यूटी दे रहे हैं गे उन्हों का घर पाने बहुत चंगा लग रहा है। इन्हों का हूँ वधिया आराम नाल रहन गया। पहला तो सानू खुद सबनों डर लगता सी साडे घर सिर्फ देखते हैं कि गली मोहल्ले वाले बिल्कुल कच्चा घर से किसी भी टाइम गिर सकता सी मीह कनी दे विच खुद नूं हुंदा सी नहीं कि कुछ हो ना जाए पर ठीक है। हुण कि मैडम अगे हो के सब कुछ कर रहे नेगे ते बहुत वधिया गल है जो इन्होंने किया। मैं कहनी हाँ सब जिनी मदद कोई कर सकदा जरूर करो जे है जरूर करना चाहिए। कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं इंसान है, इंसान बन के रहो, इंसानियत दिखाओ बस।